हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रिपिटल फोर्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन, ठीक है, तो जैसे देखो सर्कुलर मोशन बोला है, तो सर्कुलर मोशन मीन्स कुछ रिलेट करता है सर्कल से। तो जहाँ पर सर्कल होता है, ठीक है, सर्कल मीन्स राउंडेड शेप। तो एक सर्कल पर कोई भी बॉडी पार्टिकल क्या कर रहा है, फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, मोशन कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। तो चलो आइए देखते हैं उसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो बोले द पार्टिकल परफॉर्मिंग द मोशन, ठीक है, पार्टिकल क्या कर रहा है, मोशन परफॉर्म कर रहा है अलॉन्ग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, अलॉन्ग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। ये कोई सर्कल है, हमने बोला सपोज क्या है, सर्कल है, और इस सर्कल का जो ये एरिया है ना, ठीक है, ये जो एरिया है सर्कुलर शेप का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफरेंस बोलते हैं, ठीक है। और इस सर्कमफरेंस पे अगर कोई बॉडी पार्टिकल क्या कर रही है, अपना मोशन परफॉर्म कर रही है, फंक्शन कर रही है, तो हम बोलेंगे कि वो कौन सा मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है। तो ये है सर्कुलर मोशन, बेसिकली हमने क्या बोला, द पार्टिकल परफॉर्मिंग द मोशन अलॉन्ग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। मीन्स पार्टिकल क्या कर रहा है, मोशन परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, और उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। उसके कुछ एग्जाम्पल्स है हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहले देखो क्या बोला, द मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन, ठीक है, मोशन ऑफ अ प्लैनेट, ठीक है, यहाँ पर हमने अर्थ का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो देखो मोशन ऑफ जो प्लैनेट है, ठीक है, प्लैनेट, तो सन के अराउंड में सभी प्लैनेट क्या करते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं, हमें पता है, ठीक है। तो अर्थ भी क्या करेगा, रेवोल्यूशन करता है सन के अराउंड में। तो सन क्या कर रहा है, ठीक है, अराउंड में, ये हमें समझ में आ रहा है कि अर्थ भी क्या कर रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है सन के अराउंड में। तो ये भी किसका एग्जाम्पल, एक सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल देखो क्या है, अगला एग्जाम्पल है मोशन ऑफ अ स्टोन टाइट एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, मोशन ऑफ अ स्टोन टाई एट द वन एंड ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। हमने धागा लिया है, एक स्ट्रिंग लिया है, उसके वन एंड पे हमने क्या किया है, स्टोन को बांध रखा है, टाई किया है, और अनदर एंड को क्या किया, हमने अपने हाथ में पकड़ रखा है, ठीक है, और उसको हम क्या कर रहे हैं, इसे रोटेट कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, एक सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट क्या है एग्जाम्पल, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड में, मीन्स न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज, और नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो सेल में होता है न्यूक्लियस के अराउंड में, और वो क्या कर रहा है, अपना मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये है सर्कुलर मोशन बेसिकली। आगे क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो सेंट्रीपेटल फोर्स, तो दोनों में अगर रिलेशन देखा जाए सेंट्रीपेटल फोर्स और सर्कुलर मोशन, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, नेसेसरी होता है, मस्ट होता है सर्कुलर मोशन होने के लिए। अगर कहीं पर भी सर्कुलर मोशन हो रहा है परफॉर्म, तो हम बोलेंगे कि वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, मौजूद है, उसकी उपस्थिति है, प्रेजेंस है, ठीक है, वो उपस्थिति है उसकी, प्रेजेंस है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसके लिए यहाँ पर देखो क्या लिखा है हमने, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, तो अ फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ सर्कल, मीन्स क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट है और सर्कल के ऊपर क्या हो रहा है, वो मूव हो रहा है। कोई भी एक सर्कल है, सर्कुलर शेप है सर्कल, उसके ऊपर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या हो रहा है, बॉडी क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, ठीक है, मूव हो रहा है, और कैसे मूव हो रहा है, ठीक है, उस सर्कुलर शेप पे या सर्कुलर पाथ पे क्या हो रहा है, वो अपना मूवमेंट कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, ठीक है, एंड इट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, और उसका जो डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। अगर ये सेंटर ऑफ सर्कल है, ठीक है, और ये बॉडी है कोई, तो ये क्या होगी, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब इसका डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पर सेंटर की तरफ होगा, डायरेक्टली टूवर्ड दिल, ठीक है, वो सेंटर की तरफ थोड़ा पुल डाउन होगा, ठीक है, उसे थोड़ा फोर्स फील होगा सेंटर की तरफ, और वैसे फंक्शन क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। तो ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल देखो क्या है, हमने यहाँ पर सन लिया है सेंटर में, और अर्थ को दिखाया कि वो क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है अराउंड द सन। तो सन क्या करता है, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स
किसके ऊपर है ना, एग्जर्ट कर रहा है अर्थ के ऊपर, और अर्थ को अपनी तरफ पुल डाउन कर रहा है। इसके वजह से जो अर्थ है थोड़ा सा पुल डाउन होगा, ठीक है, सन की तरफ। तो सर्कुलर मोशन क्या करता है, वो परफॉर्म करता है सन के अराउंड में, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या एक्ट कर रहा है, एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। इससे हमें समझ में क्या आता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, यहाँ पर आगे भी देखेंगे हम सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स एक ही फोर्स नहीं है, नंबर ऑफ फोर्सेस क्या सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाते हैं, और वो एज अ एक्ट क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये था ग्रेविटेशनल फोर्स का। आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, यहाँ पर प्रोटॉन हमने सेंटर में दिखाया है, तो प्रोटॉन सेंटर में न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन सेल में क्या, और इसके अराउंड में रेवोल्यूशन कर रहे हैं। तो प्रोटॉन हमें पता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो प्रोटॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल डाउन करता है, अट्रैक्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फिर रोटेशन करते रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर है ना, ये जो मोशन होता है, ये मोशन किसके वजह से होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, चार्जेस है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या एक्ट कर रहा है, एज अ यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवा रहा है। आगे क्या है, जो स्ट्रिंग का हमने बोला कि पर्सन ने क्या किया है, वन एंड में स्टोन को बांध के रखा है स्ट्रिंग के, और अनदर एंड को अपने हैंड में रखा है, और उसको क्या कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो रोटेट कर रहा है, तो पर्सन क्या हुआ, सेंटर हुआ, ठीक है, सेंटर हो गया वो, और जो स्टोन है वो क्या है, एक पार्टिकल है, तो वो क्या कर रही है, उस सेंटर के अराउंड में मोशन कर रही है। तो हम जनरली देखते हैं कि जो रोप होता है और जो स्ट्रिंग होती है उनमें क्या होता है, टेंशन होता है, तो यहाँ पर टेंशन आएगा, खींचेगा धागा हो, ठीक है। और पर्सन जब भी उसको घुमाएगा तो थोड़ा सा सेंटर की तरफ क्या, उस पर्सन की तरफ क्या होगा, थोड़ा सा खींचा हुआ होगा, ठीक है। तो टेंशन आएगा उस रोप में, स्ट्रिंग में, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि जो टेंशन है वो क्या करवा रहा है, सर्कुलर मोशन करवा रहा है। इसके लिए ये सभी फोर्सेस क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं सर्कुलर मोशन के लिए। तो हमें इससे समझ में आता है कि सर्कुलर मोशन क्या है, डिपेंडेंट है सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर। सर्कुलर मोशन डिपेंडेंट है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट है सर्कुलर मोशन के लिए, और नंबर ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, एज अ एक्ट करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं स्ट्रिंग वाले एग्जाम्पल को हम लोग, ठीक है, थोड़ा इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है उसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये एक सर्कल बनाया है, यहाँ पर हमने दिखाया सेंटर में कि वो कोई पर्सन है, ठीक है, उसने ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का वन एंड वो पर्सन ने अपने हैंड में पकड़ा हुआ है, और अनदर एंड में क्या, उसने स्टोन को टाई किया हुआ है, बांधा हुआ है, और वो घुमा रहा है, ठीक है। तो जब वो घुमाएगा तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगा, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन जब वो परफॉर्म होगा, ऐसे वो घुमा रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगा, तो जो स्टोन है, ठीक है, जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगा, जो स्टोन है वो थोड़ा सा पुल डाउन रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा पुल डाउन रहेगा किसकी तरफ, उस पर्सन की तरफ, ठीक है। और वहाँ पर वो पर्सन एज अ सेंटर एक्ट करेगा, और जो स्टोन है वो बॉडी एक्ट करेगा या कोई ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा। तो यहाँ पर देखो, हर एक इंस्टेंट पे जहाँ पर स्टोन होगा उसका डायरेक्शन क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। मीन्स हम बोलेंगे वेलोसिटी का यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। तो हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन पूछा, आर यू अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन द स्टोन, क्या आप स्टोन के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो आंसर क्या है, एज लॉन्ग एज वी आर होल्डिंग द स्ट्रिंग, जब तक हम स्ट्रिंग को पकड़ कर रख रहे हैं, वी आर पुलिंग द स्टोन, हम उसको मीन्स क्या है, अपनी तरफ खींच रहे हैं, टूवर्ड्स अस एंड दैट इज टूवर्ड्स द सेंटर, और हम एज अ सेंटर एक्ट कर रहे हो, पर्सन एज अ सेंटर एक्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो वो एज अ सेंटर एक्ट कर रहा है, तो टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, तो ये फोर्स टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल एक्ट करेगा, एंड द अप्लाइंग, ठीक है, आर अप्लाइंग अ फोर्स टूवर्ड्स इट्स, ठीक है। तो पर्सन जब तक पकड़ कर रख रहा है स्ट्रिंग को, तब तक वो क्या कर रहा है, पुल डाउन कर रहा है स्टोन को अपनी तरफ, दैट मीन्स क्या, कि वो पुल डाउन कर रहा है, मींस स्टोन का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्टेड टुवर्ड दी सेंटर है वो, और फोर्स कहाँ एक्ट हो रहा है, डायरेक्टेड टुवर्ड दी सेंटर एक्ट हो रहा है, ठीक है। फोर्स, अगर ये सर्कल है तो फोर्स कहाँ एक्ट हो रहा है, ये सेंटर, डायरेक्टेड टुवर्ड दी सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है। आगे
इन विच डायरेक्शन इज द फोर्स एक्टिंग, कौन से डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा। तो आंसर क्लियर है आपको कि डायरेक्टेड टुवर्ड दिस सेंटर, ठीक है, सेंटर की डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स एक्ट होगा। अनदर क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू स्टॉप दिस फोर्स फ्रॉम एक्टिंग, इस फोर्स को आप स्टॉप कैसे करोगे एक्ट होने से, ठीक है। तो आंसर क्या है, द फोर्स स्टॉप एक्टिंग इफ वी आर रिलीज द स्ट्रिंग, इफ वी आर रिलीज द स्ट्रिंग। फोर्स कैसे स्टॉप हो जाएगा, अगर हम स्ट्रिंग को रिलीज कर देते तो फोर्स एक्ट होना क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रिंग, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रिंग को छोड़ देते, रिलीज कर देते, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो जहाँ से हम स्ट्रिंग को रिलीज करेंगे जिस पॉइंट से, वो उसी डायरेक्शन में, टेंजेंट टू द डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, स्ट्रेट चला जाएगा। तो बोला क्या है, देखो, द स्टोन विल फ्लाई ऑफ अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विच इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट द पोजिशन ऑफ अ स्टोन, ठीक है। मीन्स क्या कि जहाँ पर भी, ठीक है, हमने बोला अगर कि ये सर्कल है, हमने यहाँ पर स्टोन को रिलीज किया, तो टेंजेंट पहली बात तो क्या होता है, सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट, ठीक है, सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पे जो लाइन टच करके जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर सपोज करो स्टोन है और हमने यहाँ से रिलीज़ किया, तो ये क्या होगा, ये टेंजेंट हुआ, तो टेंजेंट वाले डायरेक्शन उसी पॉइंट से क्या हो जाएगा, स्ट्रेट चले जाएगा। सपोज़ कि हमने अगर यहाँ से हमने रिलीज़ किया तो ये यहाँ चले जाएगा, यहाँ से रिलीज किया तो टेंजेंट यहाँ होगा, यहाँ चले जाएगा, यहाँ से रिलीज किया तो टेंजेंट यहाँ होगा, यहाँ चले जाएगा। मीन्स, ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड करता है किस पॉइंट से हम रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रिपिटल फोर्स समझ में आया होगा, ठीक है। दोनों के बीच का रिलेशन है कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म होने के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स क्या है, मस्ट है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वैसा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।